तो आज की जो वैकेंसी है वो HDFC बैंक के तरफ से निकाली गई है। दोस्तों HDFC बैंक के तरफ से टोटल 10 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों दिए गए इंटरव्यू लोकेशन पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि भाई हम तो अप्लाई तो करते हैं बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो रिस्पॉन्स नहीं आने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण यह कि आप सही ढंग से अप्लाई नहीं करते हैं, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप जो ईमेल आईडी उसमें दिए हैं अप्लाई के समय, उस मेल को आप चेक नहीं करते हैं। तो जो भी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर फॉर्म फिलअप करते समय दिए हैं, उस ईमेल आईडी चेक करते रहिए, और जो भी फ़ोन आपके पास आता है उस फ़ोन को अटेंड कीजिए। हो सकता है कि वो HR का ही फ़ोन हो सकता है कि वो HR का ही ईमेल हो। तो अप्लाई करते हैं उसके एक सप्ताह तक ये चीज़ पर आप ध्यान रखें। आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई कैसे करना, उसको सही ढंग से सीखें और सही तरीके से अप्लाई करें, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या SMS आए। तो अब हम चलते हैं इस वैकेंसी की तरफ। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि HDFC बैंक की तरफ से टोटल 10 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, आप आसानी से इसे रीड कर सकते हैं। दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सर्विस एजुकेटिव, एक्सपर्ट ऑफिसर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जनरल मैनेजर, मैनेजर, भी ढेर सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई का जो मोड रखा गया है वह ऑनलाइन तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप इंडिया के होने चाहिए। दूसरा जो शर्त रखा गया है वो आपका फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले, यानी कि आप कहीं पर भी कोई भी काम नहीं किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग क्षेत्र में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपका एज 18 साल होने चाहिए। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यहाँ पर कंपनी की तरफ से साफ साफ बताया गया है। दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है, सैलरी की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपका इंटरव्यू कैसा जाता है उस हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा, तो इंटरव्यू के आधार पर आपको सैलरी दिया जाएगा। बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास एक रिज्यूम होना चाहिए जिसे हम बायोडाटा बोलते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, लास्ट क्वालिफिकेशन का मार्कशीट होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। दोस्तों ये सारे चीज़ आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, और दोस्तों तीसरा जो लिंक है यहाँ से क्लिक करके आप और ढेर सारे जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो दोस्तों आसानी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एकमात्र इंटरव्यू पास करके इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं।